आज मैं नई स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारी कहानी के मेन लीड येलियांड्रो दिखाया जाता है, जो अपनी अर्ली थर्टीज में मिस्टर ये एक कर्तव्यनिष्ठ और अच्छी सैलरी वाले ऑफिस वर्कर है। मिस्टर ये एक अज्ञात रीजन से हर दिन सुबह जल्दी सीबीडी में अपने ऑफिस जाने के लिए विजन सिटी में स्थित अपने रेजिडेंस से पहले ट्रेन लेते हैं। इसके बाद वह ऑफिस जिम में हाफ एन आवर के लिए जॉगिंग करते हैं। मिस्टर ये ऑफिस जल्दी इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वे अपने किसी भी कलीग को उनके शरीर पर बने टैटूज को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आज कुछ अलग होता है। ऑफिस बाथरूम में पहले से ज़ाओ लियान रोता है, जो हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है। मिस्टर ये ज़ाओ लियान को देखकर घबरा जाते हैं और मन में सोचते हैं सब खत्म हो गया। मिस्टर ये खांसते हैं और कहते हैं, ज़ाओ लियान तुम आज यहाँ जल्दी आ रहे। मिस्टर ये अपने टैटूज को कवर करते हैं और मन में सोचते हैं क्या उसने मेरे टैटूज को देख लिया। ज़ाओ लियान कहता है, गुड मॉर्निंग सीनियर, आप भी आज यहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छे हैं। मिस्टर ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं और पूछते हैं, क्या कूल? ज़ाओ लियान कहता है, हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर ये को एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें उनकी मदर बहुत गुस्से में उनसे कहती है, तुम्हारी बॉडी पर यह चीज क्या है? मिस्टर ये ज़ाओ लियान को थैंक्स कहते हैं और मन में सोचते हैं यह बच्चा बहुत अजीब है। मिस्टर ये कहते हैं, ज़ाओ लियान नहाने के लिए अपना टाइम लो, मैं पहले ऑफिस जाता हूँ। ज़ाओ लियान कहता है, टेक केयर सीनियर। मिस्टर ये वहां से जल्दी से जाने लगते हैं। सुपरवाइजर का ऑफिस दिखाया जाता है। मिस्टर ये मन में सोचते हैं, मैं जिस टैटू को इतने लंबे समय से छुपा रहा था वह एक्चुअली में एक बच्चे ने डिस्कवर कर लिया। अगर रूमर्स फैलते हैं तो इसका मुझ पर बुरा असर पड़ेगा। मिस्टर ये ज़ाओ लियान की ऑफिस टेबल पर जूस और सैंडविच रखते हैं। मिस्टर ये मन में सोचते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? इस बच्चे को रिश्वत दे रहा हूँ? वह शायद यह गैस नहीं कर पाएगा कि ये मेरी ओर से कंपनी का एंट्रेंस दिखाया जाता है। ज़ाओ लियान अपनी टेबल पर रखी ब्रेकफास्ट को देखकर स्माइल करता है। ज़ाओ लियान के पास खड़ा कलीग कहता है, यह होना अच्छा है, अभी भी कोई है जो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता है। वह किस प्रीटी लेडी की तरफ से? ज़ाओ लियान मिस्टर ये की तरफ देखता है और कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, यह संभवतः रॉन्ग पर्सन को दिया गया है। कलीग कहता है, तुम नहीं जानते लेकिन तुम अभी भी इसे खा रहे हो। ज़ाओ लियान कहता है, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा।